गोपानी कंपनी प्रबंधक ने बिना कोई नोटिस दिए पिछले 17 साल से काम कर रहे 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी प्रबंधन के अन्याय के खिलाफ कामगारों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अन्नत्याग आंदोलन शुरू किया है। कामगारों को नौकरी से क्यों निकाला गया, इस बारे में पूछे जाने पर अड़ियल गोपानी प्रबंधन बात करने को तैयार नहीं है। नेताजी यह है कि ये 500 मजदूर भूखे मर रहे हैं। कामगारों की समस्याओं के बारे में कलेक्टर, पालक मंत्री विजय वड़ेटीवार, सांसद बालू धनोरकर ने कंपनी को सूचना दी है। हालांकि मुझो प्रबंधन किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार न्याय के लिए गोपानी के प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने भूख हड़ताल शुरू की। हड़ताल का नेतृत्व कांग्रेस नेता और कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष दिनेश चोखारे ने किया। जब तक गोपानी प्रबंधन इन 500 श्रमिकों को काम पर वापस नहीं ले जाता, तब तक प्रबंधन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यह जानकारी कांग्रेस नेता दिनेश चोखारे ने दी। आज 6/10/2021 जिल्हा अधिकारी कार्यालय समोर आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून जे गोपानी व्यवस्थाने 500 लोकाला कमी केले, कुठल्याच कायद्याचा त्यांना भान राहिलं नाही आणि कायद्याचा दबाव धाब्यावर ठेवून आज 500 कामगारांना कमी केलं। त्याच संदर्भात संघटना जवळपास महिन्याभरापासून मोर्चाच्या माध्यमातून, धरणेच्या माध्यमातून शासनाला, जिल्हाधिकारी असो, पालकमंत्री असो, खासदार असो, आमदार असो, आयुक्त कार्यालय असो, आम्ही यांना अनेकदा निवेदन दिले, पण कुठलीच निवेदनाची दखल संबंधित विभागाने घेतली नाही। त्या नाईलाजास्त आम्हाला आज 6/10/2021 अन्नत्यागाला इथं बसावं लागले। अन्नत्यागमध्ये 5 लोक बसलेले आहे। जेथपर्यंत आम्हाला कंपनी समावून घेणार नाही, तेथपर्यंत आमचा असाच लढा सतत चालू राहणार। मला शासनाला हेच विनंती केली आहे, हे कायद्याचं राज्य आहे का? हे कायद्याचं राज्य असेल तर या 500 लोकांवर अन्याय होत आहे हे पालकमंत्री महोदय, खासदार महोदय हे कसं सहन करत आहे।